नमस्कार, मेरा नाम है हरदविंदर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी के बारे में। 10th क्लास का ये टॉपिक है कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी, कैसे आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेशली विंडोज़ एक्सेसिबिलिटी कैसे रहती है आपके लिए, कि जो डिसेबल पर्सनस है, इम्पेयरमेंट्स है, उनके लिए ईज़ करने के लिए कुछ ऑप्शंस होती हैं, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, इम्पेयरमेंट्स होती हैं, पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कैसे उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ईज हो सकता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ अ कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रेफर्स टू द यूज़र फ्रेंडलीनेस फॉर ऑल द यूज़र्स इंक्लूडिंग पर्सनस विद डिसेबिलिटी। मीन्स जो लोग कुछ इम्पेयरमेंट है, जैसे थोड़ा हियरिंग प्रॉब्लम है या विज़न की प्रॉब्लम है, विजुअल थोड़ा वीक है उनके लिए, या पैरालाइज्ड है पीपल है, तो उनके लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए, थोड़े कुछ फ्रेंडलीनेस बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होती हैं। तो अनेबलिंग द पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू यूज़ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज नोन एज असिस्टिव टेक्नोलॉजीज। व्हाट इज़ वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। बेसिकली द ह्यूमन कैन ऑपरेट अ मशीन ईजीली विद सम शॉर्ट्स ऑफ ट्रेनिंग्स, बट वट अबाउट द ह्यूमन्स विद डिसेबिलिटी। सो फॉर दैम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ शुड बी मेक अवेलेबल इन सच ए मैनर सो दे कैन यूज दैम ईजीली। तो सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी ऑप्शन होने चाहिए जो पैरालाइज हैं, या जिनका विजन लो है, जिनकी आई साइट कम है, या जो किसी टाइप से लिख नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ईज ऑप्शन हैं वो होनी जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो किस किस तरह की इंपेयरमेंट्स हो सकती हैं ह्यूमन बींग्स को, पहले तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ इंपेयरमेंट्स दैट डायरेक्टली अफेक्टेड टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस स्पेशली कंप्यूटर्स, एक होती है कॉग्निटिव इंपेयरमेंट्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिटेल में जरूर डिस्कस करेंगे। जैसे विजुअल इंपेयरमेंट्स, हियरिंग इंपेयरमेंट्स, मोटर और डेक्सटेरिटी इंपेयरमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निटिव इंपेयरमेंट्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। कॉग्निटिव इंपेयरमेंट्स इज व्हेन अ पर्सन हैज ट्रबल रिमेंबरिंग, आई लर्निंग न्यू थिंग्स, कंसंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजंस दैट अफेक्ट देयर एवरीडे लाइफ। कॉग्निटिव इंपेयरमेंट्स रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, एग्जांपल्स डायलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ओरंथस और ऑटिज्म, और ऑटिज्म अलग अलग वर्ड्स हैं, ये इकट्ठे हो गए हैं। तो इस तरह की जो इम्पेयरमेंट्स होती हैं, जिनको रिमेंबर नहीं होता या कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनती है, तो इस तरह की जो इम्पेयरमेंट है। दूसरी होती है विजुअल इम्पेयरमेंट्स। विजुअल इम्पेयरमेंट्स इज टर्म एक्सपर्ट यूज टू डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ विजन लॉस, वेदर इट समवंस हु कैन नॉट सी एट ऑल और समवन हु हैज पार्शियल विजन लॉस। सम पीपल आर कम्प्लीटली ब्लाइंड बट मैनी अदर्स हैव वर्स अ कॉल्ड लीगल ब्लाइंडनेस, लाइक ब्लाइंडनेस, लोगों को थोड़ा दिखने में दिक्कत आती है, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या ऑप्शंस हैं। उसके बाद हियरिंग इंपेयरमेंट्स आ जाती हैं। हियरिंग लॉस में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, इट कैन अफेक्ट वन ईयर और बोथ ईयर्स एंड लीड्स टू डिफिकल्टी इन हियरिंग, कन्वर्सेशनल स्पीच और लाउड साउंड्स, हार्ड ऑफ हियरिंग, रेफर्स टू पीपल विद हियरिंग लॉस रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, एग्जाम्पल्स पैरालाइज, सर्बरल पल्सी और कार्पल टनल सिंड्रोम एंड रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी, RSI भी कहते हैं। आगे है मोटर और डेक्सटेरिटी इंपेयरमेंट्स। मोटर और इंपेयरमेंट्स इज अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट, जैसे किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, या किसी का हैंड, या किसी की आर्म, तो उन लाइक यूजली आर लिम्ब और लिम्स, दे मे रिजल्ट आ मसल वीकनेस, पुअर स्टेमिना, लैक ऑफ मसल्स कंट्रोल और टोटल पैरालाइसिस। तो ये डिफरेंट टाइप्स की इम्पेयरमेंट्स हैं जिनको, जिन लोगों को ईज करने के लिए विंडोज़ के अंदर ऑप्शंस होती हैं। तो किस तरह की ऑप्शंस होती हैं, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, ये अब हम सीखते हैं। जैसे अभी विंडोज़ 8 यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसमें है ईज टू एक्सेस, आप खोलेंगे ईज टू एक्सेस, अदर ईज टू एक्सेस सेटिंग्स में जाएंगे, तो इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल रही हैं। जैसे नरेटर है, नरेटर को ऑन करते हैं तो वट एवर यू विल बी यूजिंग, तो इट विल स्पीक आउट, पीसी सेटिंग्स विंडो, कोई भी ऑप्शन यूज करते narrator, हैं तो स्पीक आउट करता है, जो जिनको नरेटर मतलब है, वो सुन के सेंस कर सकते हैं व्हाट इज नरेटर। देन मैग्नीफायर है, ये भी विजुअल के लिए है, कि मैग्नीफाई करके आप व्यू कर सकते हैं, बड़ा करके, थोड़ा उसका जूम आउट करके
रीड कर सकते हैं, ये मैग्नीफायर की ऑप्शंस होती हैं इसके अंदर। और इसको ये ऑन और इसको ऑफ कर, ऐसे हाई कंट्रास्ट है ये भी विज़न के लिए। कीबोर्ड्स में ऑप्शंस होती हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड टाइप करना डिफ़िकल्ट लग रहा है तो एनी बडी कैन यूज़ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इसके अंदर फर्दर ऑप्शन है जैसे स्टिकी कीज़, स्टिकी कीज़ का क्या यूज़ है, जैसे आपने कुछ कम्बिनेशंस यूज़ करने होते हैं कीज़ के, जैसे ऑल्ट और सी आपने दोनों इकट्ठे यूज़ करने हैं, इस केस में आप अगर इसको ऑन कर सकते हैं तो पहले आप ऑल्ट दबा दीजिए बाद में सी। कुछ फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं जिनको ऑल्ट और सी इकट्ठा दबाना डिफिकल्ट लगता है, देन दे कैन यूज मतलब सिंगल हैंड से टाइप करते हैं वो भी डिफिकल्ट है दो की इकट्ठी दबानी, देन दे कैन यूज वन की एट अ टाइम, तो उसके लिए हेल्पफुल रहता है। टॉगल कीज का क्या यूज़ है, लाइक अगर आप कैप्स लॉक ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो उसकी वॉइस आती है, साउंड आती है, यू हियर यू कैन लिसन, सुन के आपको क्लियर हो जाता है कि कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। फिल्टर कीज़ का क्या यूज़ है, रेपिटेटिव की स्ट्रोक्स मीन्स कई बार कई लोगों का हाथ कांप रहे हैं, बार बार एक ही की प्रेस करी जा रहे हैं तो वो एक बार ही कंसीडर होगी, अगर जल्दी जल्दी दो तीन बार भी प्रेस हो जाएगी इट विल बी कंसीडर्ड एज सिंगल टाइम। तो इस तरह के अगर फिल्टर कीज़ को आप ऑन कर लेते हैं, जैसे कुछ लोगों को इम्पेयरमेंट्स होती है, प्रॉब्लम होती है कि हाथ कांप रहे हैं, बार बार एक ही की प्रेस हो रही है, तो देन ये कैन यूज़ फिल्टर कीज़ ऑप्शन। आगे माउस की सेटिंग्स हैं, माउस में भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, न्यूमेरिक कीपैड को आप एज ए माउस यूज कर सकते हैं और ये स्पीड अप कर सकते हैं माउस को, ये डिफरेंट डिफरेंट ईज टू एक्सेस की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं विंडोज़ के अंदर जो फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल के लिए यूज़ होती हैं। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कैसे आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इम्पेयर्ड पीपल ईज टू एक्सेस की ऑप्शंस। तो अभी देखते हैं, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे ईज टू एक्सेस की ऑप्शंस यूज़ करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर दिए जाएंगे आपको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।